वेलकम आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हूं शलेता। आज मैं लेकर आ गई हूं एक तरकता भड़कता और एक चैलेंजिंग वीडियो जो कि बहुत अभी ट्रेंडिंग में है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और मैंने इसके ऊपर 2-3 ही वीडियो देखे हैं, पता नहीं और कितने होंगे, तो मैंने सोचा इसे और भी ज़्यादा बढ़े तो मैं थोड़ा एक पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। तो आज का थंबनेल एंड टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे क्या होने वाला है वीडियो में, और नहीं समझे हो तो आगे बने रहिए, आगे चलते चलते सब कुछ समझ में आ जाएगा। उससे पहले जो लोग नए हो लाइक कर देना और भर भर के लाइक करना, अपने फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अच्छे से शेयर करना, और जो लोग नए हो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए चलिए चलते हैं आज के वीडियो। आज का चैलेंजिंग वीडियोस राउंड 2 में होने वाला है। 2 राउंड में मैं करने वाली हूँ। फर्स्ट राउंड में हेयर पुलिंग एंड सेकंड राउंड में हेयर ट्विस्टिंग, ऐसा कुछ करने वाली हूँ। एंड वीडियो कैसा बना है, मतलब अच्छा है बुरा है, क्या क्या कमियाँ हैं, ये आप लोग मुझे बता सकते हो। मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मुझे इतना नहीं पता होगा। जो भी अगर कुछ कमी रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे टिप्पणियाँ देना, ताकि मैं पार्ट 2 के साथ फिर से हाजिर हो जाऊँ कि कमियों के साथ पूरा वीडियो एक और पार्ट 2 बना लूँ और अच्छे से करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउंड 1। तो राउंड 1 में मैंने कहा था हम करेंगे हेयर पुलिंग। यस, पता नहीं अपना हेयर कौन पुल करता है यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेयर पुल करना। मैंने अच्छे से कॉम किया हुआ है, अभी इस हेयर को पुल करना है। पता नहीं कितना दर्द होगा, क्योंकि अकेले कर रही हूँ तो उतना दर्द नहीं होने वाला है। मैं सामने से थोड़ा ले रही हूँ, ठीक है, पुल करना है। बाल अभी तो बहुत ही कमजोर है, टूट ना जाए बस ये। So, अभी मैंने एक गुच्छे बाल ले लिए हैं कि ये देखिए, आप देख रहे हो ना, बाल स्ट्रेट ना हो जाए, मेरा नेक भी उधर जा रहा है। इससे जोर लगा के अगर खींचूंगी तो बाल टूटने वाले हैं यार। ओके, दोनों साइड से करते हैं। Like this. वैसे मेरे बाल बहुत कमजोर हैं। अच्छा, पहले एक पता नहीं अभी होता है कि नहीं, मैं तो इतना टीवी नहीं देखती हूँ, एक शो होता था वहां पे ऐसे बालों से, दाढ़ी से, मूंछों से क्या क्या सब करते थे। ये देखिए मैंने बहुत खींचा हुआ है और नहीं खींचूंगी। ओके, छोटे छोटे पार्ट करते हैं, देन दिस। बचपन में क्या होता था ना, जो हमसे बड़े कजन ब्रदर्स हैं, वो लोग जब भी कोई गलती करते थे या फिर हमें चिढ़ाने के लिए चोटी बनाई होती थी तो चोटी खींच देते थे। ऐसे किन किन के भाइयों ने किया है जरूर कमेंट करके बताना, और किन किन के बहनों ने ऐसा सहन किया है, उसके बदले में उन्होंने अच्छे से पिटाई दी है कि नहीं। मैं और भैया जब फाइट करते थे तो हम दोनों अपने अपने मतलब एक दूसरे के बाल बहुत खींचते थे, और भैया बहुत गुस्सा होता था, वो अपने बालों को हाथ भी नहीं लगाने देता था। सो दिस इज, यार मेरे बाल मेरे बहुत प्यारे हैं, देख सकते हो मैं कैसे खींच रही हूँ, के साथ साथ स्वेट भी हो रही हूं थोड़ा। So, कैसा लगा राउंड 1 जरूर कमेंट करके बताना कि राउंड 1 आप लोगों को कैसा लगा, और भी हम कैसे कर सकते हैं, कमियां भी आप लोग जरूर बताना, ताकि पार्ट 2 में मैं ये सारी कमियां पूरी कर। नेक्स्ट अभी चलते हैं राउंड 2 के तरफ। राउंड 2 में हम क्या करने वाले थे, जो मैंने कहा था ट्विस्टिंग, हम बालों को ट्विस्ट करेंगे। और बालों के ऊपर मैंने और भी बहुत सारे चैलेंजेस किए हैं, उसके सारे लिंक आप लोगों को आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आप लोग इंजॉय करना ज़रूर, और ज़रूर कमेंट भी करना, शेयर भी करना। तो चलिए चलते हैं राउंड 2 के तरफ, लेट्स, और कितनी बार कहूँ यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। राउंड 2 भी पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में बालों को डिवाइड करते हैं, ये वाला
थोड़ा सा ग्रेस दे रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत हीना वीना लगाती हूँ, तो इसलिए आई थिंक। ओके, तो ट्विस्ट करना है, पहले छोटे पार्ट को मैं ट्विस्ट कर रही हूँ। ऐसे ट्विस्ट करके अगर आप पूरी रात रख दोगे ना छोटे छोटे रबर बैंड के साथ, तो आप सुबह उठ के देखोगे आपके बाल बहुत अच्छे से कर्ली हो गए हैं, जो कि होम मेड कर्ली है, मतलब बिना कोई कर्ल के जो मशीन्स होते हैं, बिना कोई मशीन से आप नेचुरली बालों को कर्ल कर सकते हो। ओके, मैंने ट्विस्ट कर लिया है, धीरे धीरे और भी करूँगी। अभी इसको कुछ नहीं, 5 मिनट अगर मैं ऐसे पकड़ ही रहूँ ना, मैं पेंसिल से पहले करती थी बचपन में, पेंसिल से कर इसे राउंड कर रख देती थी, थोड़ी देर बाद ये कर्ल हो जाएगा। ये देखो नहीं हुआ है, और थोड़ा पकड़ना पड़ता था। ओके, सो अभी बाल को जैसे मैंने दोनों पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे मैंने इन्हें ट्विस्ट किए हैं। देखिए कितने पतले हैं, कितने छोटे हो गए हैं, और इधर रबर बैंड लगाना चाहिए था। मैंने बालों के ऊपर ब्लाइंडफोल्ड चैलेंज भी किए हैं, हेयर कट भी किया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक सारे हैं आप लोगों को मिल जाएंगे। पहले ये वीडियो खत्म कीजिए फिर जाना। सो दिस इज ट्विस्ट, खुल रहे हैं बाल। जो भी नए लोग हो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर देना। ओके, इसको करते हैं। ऐसे ट्विस्ट करके अपने स्प्लिटेंस भी खत्म कर सकते हो। ऐसे ट्विस्ट करने के बाद आपके यहाँ से जो छोटे छोटे बाल निकलेंगे आप उनको देख सकते हो, आपके दो मुहे बाल है कि नहीं, फिर आप उसे कट कर सकते हो। ये था छोटा सा टिप। सो दिस वन, और हम कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फनी चैलेंजेस मैंने किए हुए हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर आप लोग मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं सारे वीडियोस को। एंड आई थिंक हो गया है। तो अगर इसका पार्ट टू चाहिए तो ज़रूर रिक्वेस्ट करना कमेंट बॉक्स में, और मुझे और भी बहुत सारे रिक्वेस्टेड वीडियोस करने के लिए आ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैं ज़रूर एक एक करके लाऊंगी। बस थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, थोड़ा टाइम आप लोगों से मांग रही हूँ ताकि नेक्स्ट और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस ला सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई फनी चैलेंज के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।